हमने लिया है मटर का भुजिया बनाने के लिए ये मटर, प्याज, हल्दी, काली मिर्च और जीरा का पाउडर, जीरा तड़का लगाने के लिए और नमक, धनिया पाउडर और हरी मिर्च। खान या सरसों का तेल कुछ भी आप डाल सकते हैं इसमें। मैं तो रिफाइंड डाली हूँ इसमें। अब इसमें हम जीरा डालेंगे, ये जीरा हम चला देंगे। हम मिर्ची डालेंगे, और ये प्याज हम इसमें डालेंगे, ये परवल और ये प्याज इसको हम मिला देंगे। धीरे धीरे हम चला देंगे इसे, ब्राउन होने तक मैं भूनूंगी पाउडर को। इसमें हम ये हल्दी डालेंगे, ये गरम मसाला, जीरा और काली मिर्च का पाउडर है। अभी इसे अच्छे से मिला लेंगे। नमक हम डालेंगे इसमें हल्का सा, इसको हम मिला लेंगे, इसको अच्छे से मिला देंगे। नमक को अच्छे से हमने मिला दिया इसे, और हम इसे ढक के 5 मिनट तक हम पकाएंगे इसे कम आंच पर। अब इसे हम चेक करेंगे कैसा हुआ है सब्जी। 5 मिनट हो गए हैं, अभी कच्चा है सब्जी। 5 मिनट और पकाएंगे इसे हम धीमी आंच पर। 5 मिनट हो गए हैं, फिर और 5 मिनट और पकाएंगे हम। कच्चा है सब्जी, अभी हम देखते हैं सब्जी कैसी हुई है। अब सब्जी 2 मिनट और पकाएंगे हम सब्जी को। सब्जी बन के तैयार हो गई है। अब मैं देखती हूँ इसे, सब्जी पक गई है। अब हम सब्जी सर्व करेंगे। ऐसे भुजिया होनी चाहिए पटर की, ऐसे। ये पटल की भुजिया बन के तैयार हो गई है। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।